बिग बॉस टीवी का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है इस शो में हर दिन रिश्ते बनते बिगड़ते देखने को मिलते हैं कई बार शो में सेलेब्स की पर्सनल लाइफ की धज्जियां भी उड़ जाती हैं इस सीज़न में अंकिता लोखंडे और मुनवर फारूकी की पर्सनल लाइफ का बार बार मज़ाक बनता दिख रहा है फिनाले से कुछ दिन पहले जिस तरह अंकिता और मुनवर की पर्सनल लाइफ को मुद्दा बनाया जा रहा है उसे देखकर यही लगता है कि फ़िनाले में जो मुकाबला है वो इन दोनों कॉन्टेस्टेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है अंकिता लोकंडे टेलीविज़न की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं वो सत्रह साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और इन सालों में उन्होंने अपने काम से काफ़ी पहचान भी बनाई है अंकिता को बिग बॉस की टॉप फाइनलिस्ट में से एक भी माना जा रहा है कई लोग उनके विनर बनने का दावा भी करते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले तीन महीनों में अपना दमदार गेम भी दिखाया है और जब भी ज़रूरत पड़ी है सुशांत का नाम भी जमकर इस्तेमाल किया है पर शो में जिस तरह उनकी और विकी की लड़ाई हो रही है उस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं लोग अगर पति पत्नी के झगड़े को इग्नोर कर भी दें तो रही सही कसर उनकी सास ने आकर पूरी कर दी फैमिली वीक के बाद अंकिता की सास ने उन्हें लेकर मीडिया में जो कुछ भी कहा उसे लेकर अंकिता के फैंस काफ़ी नाराज़ हैं अंकिता की सास के तानों का असर अंकिता के गेम पर पड़ेगा या नहीं ये तो फिनाले वाले दिन ही पता चलेगा उधर मुनवर बिग बॉस के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक हैं शुरू से ही उन्हें शो का विनर माना जा रहा था क्योंकि बाहर उनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है पर फिनाले से कुछ हफ्ते पहले शो में आयशा खान की एंट्री हो गई ये वही आयशा हैं जिनसे मुनवर ने शादी का वादा किया था आयशा ने शो में आकर मुनवर की पर्सनल लाइफ पर काफ़ी अटैक करना शुरू कर दिया और अब वो गेम से ज़्यादा अपनी इमेज सुधारने पर फोकस कर रहे हैं शो में जिस तरह इन दोनों कॉन्टेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ को मुद्दा बनाया जा रहा है वो देख लगता है कि कहीं इनके पर्सनल मुद्दों के बीच ट्रॉफी पर कोई बाजी मार कर ना ले जाए अब जो भी होगा अट्ठाईस जनवरी के फिनाले एपिसोड में पता लग जाएगा इस बीच अंकिता पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने उन्हें जब भी ज़रूरत महसूस हुई उन्होंने बड़ा बेखौफ होकर सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस शो में बार बार लिया और इसकी वजह से भी उनसे काफ़ी लोग नाराज़ हुए हैं